कमाल है, सुना है बड़ी जॉब लग गई है आपकी। सुना नहीं है, हम लोगों ने खुद लिख कर बताया कि मैं जॉब कर रही हूँ। बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया आपके एटीट्यूड पे। और क्यों ना है, इतनी बड़ी बैक जो है आपके पीछे। कहना क्या चाहती हो? कमॉन भाभी, मतलब ये कि सारिम ने बड़ी समझदारी से काम लिया है, बजाय इसके कि अपनी फर्म में आपको नौकरी दे दे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फर्म में जॉब दिलवा दे, राइट? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरी जॉब का सारिम से कोई ताल्लुक नहीं है। और रियली आप ये कहना चाह रही हैं कि बगैर किसी टैलेंट के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के आपको इतनी बड़ी फर्म में, इतने बड़े रैंक में वैसी जॉब मिल गई? बिल्कुल ऐसा ही है। कम ऑन बाबू, किसको बेवकूफ बना रही है? मुझे भी सारिम के ऑफिस में सिर्फ पीए की जॉब के लिए इतनी पढ़ाई के बावजूद अरीशा की सिफारिश की जरूरत पड़ी थी, और आप कह रहे हैं कि आपको सब कुछ वैसे ही मिल गया। वैसे एक बात है, रिश्ता मेरा जुड़ा था सारिम से, और ताल्लुकात आपने बना दी सिद्दीकी फैमिली से। बाप केस लड़ रहा है और बेटे ने जॉब लग पाई थी। मुझे लगता है जिस काम के लिए आई हूँ ना, वो कर। अपने भतीजे से मिलने आई तो जा, वैसे भी वक्त कम रह गया। भाभी को थोड़ा एक्ट देना पड़ जाएगा। ये कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल के गई? नहीं, कुछ भी नहीं। पक्की बात है? अम्मी, इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ, आप खाना ना बनाया करें। अब देखे ना, मिर्चें ज्यादा हो गई। वालेकुम अस्सलाम। इसे क्या हो गया भाई? पता नहीं, सारे रास्ते कोई बात नहीं किसने पूछा तो कह रही है कि सर में दर्द है। मैं देखूं तो क्या क्या दिया है भाई अपने पोते को उन्होंने। वाह भाई, बड़ी अच्छी चीजें हैं। कितनी कितनी महंगी चीजें हैं। अम्मी अम्मी, आप जरा जाके देख लें, तबीयत नहीं ठीक इसकी, तो मैं ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। नहीं बेटा, रहने दो। वो फैजान और कौसर को देख के दुखी हो जाते हैं। पहले भी उससे मुझसे ये जिक्र किया था। अजीब लड़की नहीं, जिन्होंने उसे दुख दिया है उन्हीं के लिए दुखी होती है। अम्मी, कुछ तो अच्छाई होगी उन लोगों में जो वो इतना याद करती है। शान से चाय बनाओ तो रूमी के लिए ले जाना, और साथ पेन किलर्स भी ले जाना। अम्मी, मैं निकल रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। अगर जरूरत हो मेरी तो आप बता देना, मैं आ जाऊंगा, ले जाऊंगा उसे डॉक्टर के पास। जाओ बेटा, तुम जाओ, मैं उसे देखती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब देखिए ना अम्मी, कितने कितने प्यारे और कितने महंगे तोहफे देते हैं वो अपने पोते को। आपकी बेटी तो खरीद भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती